Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. This is Muhammad Fizan and the topic is class 9 chapter number 2 and exercise 2.5 class 9 ki book ka aur question number 4. Jaise maine pichle video mein aap logo ko bata tha question number 4 mein se mujhe se alag kara raha hu, important hai thode se concept alag de dunga, theek hai. Ab question number 4 mein jo hai na isme iota ka concept to koi yaad nahi raha kyunki iota to direct cancel ho jayega, to hum isme simply main question likh leta hu. Question hai wo kya kehta hai aur kaise hum iski simplification karenge, theek hai. So find the value, हमने वैल्यू को फाइंड करना ऑफ किसी सी एक्स एंड वाई, ठीक है. इफ अगर हमारे पास, ठीक है, इफ एक्स हमें दिया गया एक्स प्लस एरोटा वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू फोर माइनस थ्री एरोटा, ठीक है. हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है सॉल्यूशन सेट में, मतलब हमारे पास जो एक्स और वाई नज़र आ रहा है इसकी हमने वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है. और हमें वो कह रहा है कि ये इक्वेशन दी गई, इस इक्वेशन से हमने इस चीज़ को फाइंड करना है. तो सबसे पहले पिछली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को आयोटा का कॉन्सेप्ट भी देता रहा, कंजुगेट भी देता रहा, सारे कॉन्सेप्ट देता रहा, लेकिन इस सवाल में वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हो रहे थे ये ज़्यादातर, तो मैंने इसीलिए इसको सेपरेट किया. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें क्या करना है, एक बात याद रखनी है, कंपेयरिंग का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है. कंपेयर हमें क्या करना है कि जो आयोटा का आयोटा से हो जाएगा कंपेयरिंग और रियल का रियल के साथ. अब रियल और इमेजिनरी पार्ट का आप लोगों को पता था, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है. ये मैंने आपको बताया था कि रियल किसे कहते हैं, इमेजिनरी किसे कहते हैं. रियल हमारे पास मतलब 1, 2, 3, 4 और इमेजिनरी जिसमें आयोटा है, सही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट, सही है. अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है कि पहले तो कॉन्सेप्ट ये ले लें कि रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर लेना है, मतलब इक्वल के इधर उधर कर लेना है. सबसे पहले तो एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई लिख लेंगे, सही है, पहला कॉन्सेप्ट, और फोर माइनस थ्री आयोटा. अब ये जो आप लोगों को आयोटा और आयोटा नजर आ रहा है ना सेम सेम, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आयोटा वाई है और ये थ्री है और ये रियल और ये रियल है, तीन रियल्स हैं और हमारे पास दो इमेजिनरी पार्ट है. इनको हम जो है ना क्या यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे, कंपेयरिंग, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सही है. रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर कर लेंगे. अब देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वन इज इक्वल टू फोर आ जाएगा. x प्लस वन ये क्या किसके बराबर आ गया, फोर के, और आयोटा वाई किसके बराबर आ जाएगा, थ्री आयोटा के, ठीक है. तो ये हमने क्या किया, इसकी कंपेयरिंग कर ली, एक दूसरे को अलग अलग कर लिया. तो x प्लस वन का मतलब क्या हुआ कि x फोर माइनस वन, ठीक है, वन यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गए, सही है. तो माइनस वन हो गया इधर आके, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, थ्री आपके पास x का आंसर आ गया. और आयोटा सॉरी यहाँ पे मेरे पास माइनस थ्री आयोटा, तो माइनस थ्री आयोटा आएगा. अब देखिए ये आयोटा यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो मैं y माइनस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा कर दूंगा, तो आयोटा और आयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल. तो y इज इक्वल टू माइनस थ्री आपके पास आंसर आ जाएगा. सो मेरे पास x क्या आ रहा है, थ्री, और y क्या आ रहा है, माइनस थ्री. तो बस इतना सा ये सवाल है, बस इसमें आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि आयोटा को आयोटा के बराबर कर देना और रियल को रियल के, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जहन में बिठा लेना और सवाल सॉल्व हो जाएगा. तो दो मिनट का ये क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फोर ईजीली समझ आ चुका होगा, ठीक है. तो प्रॉपर मेरे ख्याल में इसमें लेना ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है. सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फोर की ईजिली समझ आ चुकी होगी. सो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2.5 की 2.6 की होगी, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़.